सरकार के हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने जाने वाले दावे कहीं न कहीं खोखले ही साबित होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बरसात के दौरान अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में इतना गाद वाला पानी आ रहा है कि जल जनित जैसे रोग फैलने का खतरा मंडराने लगा है। कुछ ऐसा ही नजारा आजकल जिला सोलन के अंतर्गत आने वाले कुनिहार क्षेत्र के अधिकतर गांव में देखने को मिल रहा है। यहां कई गांव में इतना गंदा पानी आ रहा है कि ग्रामीण उसे पी नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा कारण कुनिहार क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई गंभीर पेयजल कोठी योजना के बने कुएं के चारों तरफ पिछले कुछ महीनों से गंदा बरसाती पानी खड़ा होने लग गया है, जिसकी वजह से वहां सड़न तो फैल ही रही है। इसके अतिरिक्त सारा बरसात का गंदा बरसाती पानी धीरे धीरे कुएं में रिसाव होने लग गया है। इसका सबसे बड़ा कारण पेयजल योजना कोठी के साथ बनाई गई एक अतिरिक्त पेयजल योजना की इतनी ऊंचाई पर है कि उस स्कीम में बरसात के पानी की ढलान कोठी पेयजल की तरफ देखने को मिल जाएगी। ग्रामीणों ने सरकार एवं प्रशासन को चेताया है कि यदि इसका स्थायी समाधान शीघ्र नहीं होता तो आने वाले समय में क्षेत्र का संपूर्ण महिला मंडल गंभीर पेयजल स्कीम में आकर बैठने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि घरों में इतना गंदा पानी आ रहा है जो पीने योग्य नहीं है। लोग बीमार पड़ना शुरू हो रहे हैं। इसी विषय के बारे में अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग मंडल अर्की विजय माछान ने कहा कि मैंने कुछ दिनों पहले ही कार्यभार संभाला है, स्कीम का निरीक्षण भी किया था। कुएं के आसपास शीघ्र भरान करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। विभाग स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं कोठी विकास समिति के अध्यक्ष रतन तनवर ने कहा कि सदस्यों ने स्कीम का निरीक्षण किया, टैंक के चारों तरफ बरसात का पानी खड़ा हुआ है, शीघ्र स्थायी समाधान करें। मैं रमा तनवर गांव कोठी की निवासी हूं। हमारे यहां गांव में गंदा पानी आ रहा है कई दिनों से, जब से बारिश शुरू हुई है, और इसकी वजह से गांव में बीमारी फैल रही है। इसका कोई इसकी तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा है। सारा गंदा पानी है, बाल्टियों में भी गंद जम गया और टंकी में। मैं गायत्री तनवर कोठी की रहने वाली हूँ, और यहाँ हमारे यहाँ बहुत गंदा पानी आ रहा है कई दिनों से, जब से बारिश हो रही है, और ये पानी पीने लायक नहीं है, नहाने लायक भी नहीं है। यहाँ सारे बच्चे बूढ़े सब बीमार हो रहे हैं, इससे पेट खराब हो रहा है सबका, और इसका निरीक्षण किया जाए, डिपार्टमेंट इसकी और ध्यान दे ताकि हमारे गांव में अच्छा साफ पानी आ सके। मैं रीता तलवर गांव कोठी से, कई दिनों से हमारे गांव में बहुत गंदा पानी आ रहा है, बस जब से बारिश शुरू हुई हमारे, तो इतना गंदा पानी आ रहा है कि बाल्टियाँ भी लाल हो गई है हमारे, डंगरों को पिलाने लायक पानी नहीं है, और इसका कोई वो नहीं कर रहा है, सुनाई नहीं कर रहा, कोई ध्यान नहीं रहा। हम पहले भी इसके बारे में कई लोगों ने बोला है, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा इसके बारे में। तो मैं सरकार से चाहती हूँ कि इस पानी के ऊपर निरीक्षण किया जाए, ध्यान दिया जाए, नहीं तो हम जितनी भी लेडीज है गांव की, हम धरने पे बैठ जाएंगे पंप के ऊपर, और फिर जो होगा वो देखा जाएगा। बस मेरी यही गुजारिश है कि इस बात पर, इस के ऊपर ध्यान दिया जाए। मैं रतन तनवर कोठी विकास सभा का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और आज हमने गांव वालों के साथ गंभीर उठाऊ पेयजल योजना जो कोठी गांव के तथा कोठी पंचायत के लिए चली हुई है उसका निरीक्षण किया। वहां पर हमने पाया कि जहां जितना भी पेयजल योजना के ऊपर का कैचमेंट एरिया का वर्षा का जल निकासी का जल है, वो सारा हमारा जो परकुलेशन वेल है उसके साथ जमा हो जाता है, क्योंकि जो नई स्कीम एक बनी है उसका उसका जो डंगा है ऊंचा कर दिया गया, और उसका भी सारा ढलान हमारे परकुलेशन वेल की तरफ कर दिया, और सारा पानी वहाँ पे इकट्ठा होकर वो पानी रिसकर हमारे कुएं में जा रहा है, जो कि अब बहुत ही गंदा पानी है, और 20-25 दिनों से हमारे घरों में बहुत गंदा पानी आ रहा है, और इस पानी की वजह से पूरे गाँव में महामारी का रूप लेती धारण कर रही है, जिससे कुछ लोग हमारे IGMC में भी दाखिल हुए इसी पेट की बीमारियों की वजह से, और कुछ लोग हॉस्पिटल में यहाँ पर दाखिल हुए और दवाइयाँ खा रहे हैं, और सभी लोग बीमारियों के इस मेन वजह से चिंतित है, और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमने पहले भी सरकार को इस बारे में
कहा है और वर्षा का है जल और जो सिंचाई योजना के थ्रू हमारे को पहुंच रहा है इसको दिखाया है, लेकिन विभाग ने इस ओर कोई भी उचित कार्यवाही अभी तक नहीं। मैं संतराम गांव कोठी से का रहने वाला हूं। हमारे गांव में जो है वो 10-15 में एक महीने से जो पानी जो है बहुत गंदा आ रहा है पीने के लिए, और डिपार्टमेंट को भी काफ़ी पहले बता दिया गया पर इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि भाई ये जो पानी जो है इसको जो इस हमने नीचे भी जाके भी इसका जाया है, हम आज दिनांक 19 जुलाई को तो वहाँ देखा कि जो हमारा पानी जिसमें हमारा टैंक के बना हुआ है उसके टैंक के चारों तरफ जो है पानी घिरा हुआ है और सारे वहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है और जो गंदा पानी इकट्ठा हुआ है तो उसकी वजह से हमारे को पीने के लिए वहाँ से गंदा पानी आ रहा। तो बड़ी मेहरबानी कि इस पानी को जो है मतलब इसकी रिपेयर किया जाए। मेरा नाम दिलीप ठाकुर है, मैं कुट्ठी गाँव का रहने वाला हूँ। पिछले 10-12 दिनों से जो पानी नीचे गंबर से हमारे को विभाग द्वारा दिया जा रहा है वो इतना गंदा है, वो पीने लायक नहीं है। इससे बीमारी फैल सकती है, जानवर बीमार हो सकते हैं, कुछ तो लोग भी बीमार हुए हैं। मेरा IPH विभाग से विनम्र निवेदन रहेगा कि आप इसकी जांच कीजिए, ये पानी कैसे आ रहा है। आप खुद देखिए आके, टैंकों में नीचे गाद जम चुकी है, नलकों से ऐसा पानी आ रहा है जिस बर्तन भी साफ नहीं कर सकते। और मेरा विभाग से भी रहेगा कि अपने उच्च अधिकारियों को भेजे, उस पानी की जांच करवाई जाए ताकि महामारी ना फैले। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कुनिहार से चंद्र प्रकाश नेगी की रिपोर्ट।